शनि 14 अक्टूबर 2023 को धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये जो इनका ट्रांजिट होगा धनिष्ठा में, वक्री स्थिति में ही प्रवेश करेंगे और 4 नवंबर तक ये वक्री स्थिति में ही रहेंगे, 14 अक्टूबर से 4 नवंबर तक। इसके बाद ये धनिष्ठा नक्षत्र में मार्गी होना शुरू होंगे और 24 नवंबर को ये धनिष्ठा से निकल करके वापस ये शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इस बार जो शनि का गोचर होगा धनिष्ठा में, लगभग 1 महीने 10 दिन के आसपास ही रहेंगे मंगल के नक्षत्र में, और ये जो स्थिति है 30 साल के बाद फिर वापस देखने को मिलेगी जब ये मकर में प्रवेश करेंगे। और शनि और मंगल का जो राशि और नक्षत्र से संबंध बनता है, तो ये गोचर बड़ा महत्व तो रखेगा। छोटा सा ही पीरियड है और वैसे भी शनि 17 जून से जो है वक्री स्थिति में चल रहे हैं, अब ये 4 नवंबर को मार्गिन होंगे तो बड़ी राहत मिलेगी बहुत से लोगों को, क्योंकि शनि बड़े क्रूर ग्रह हैं, न्याय के कारक ग्रह होते हैं। तो जब ये वक्री स्थिति में आते हैं तो लोगों के प्रोफेशन को काफी प्रभावित करते हैं, और जिन लोगों के लिए योग कारक ग्रह होते हैं, जिनके लग्नेश होते हैं, केंद्र त्रिकोण के मालिक होते हैं, तो बहुत अच्छे से इनके रिजल्ट लोगों को पता चल रहे होते हैं। अब ये शत्रु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो ये जो समय रहेगा आप लोगों का 14 अक्टूबर से लेकर के 24 नवंबर तक, थोड़ा सा क्रिटिकल टाइम रहेगा। सावधानी रखिएगा आप लोग, हर एक तरह की सावधानी रखिएगा, अपने जो हाउसेज हैं आपके उसके हिसाब से और नेचर के अनुसार भी आपको ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि मंगल जो ग्रह है ये अग्नि तत्व ग्रह है और शनि वायु तत्व को दिखाते हैं, तो जब आग और हवा का मिलना एक साथ होगा तो ये विस्फोट जैसी स्थितियों का भी निर्माण करता है। जिन लोगों के लिए मंगल की दशाएं चल रही होंगी, शनि की दशाएं चल रही होंगी, शनि की दशांतर प्रत्यंतर, मंगल की दशांतर प्रत्यंतर, उन लोगों को जो ये वक्री पीरियड रहेगा शनि का धनिष्ठा नक्षत्र में, बहुत आपको एकदम बिल्कुल पता चलता रहेगा कि क्या आपकी लाइफ में घटनाएं घटित हो रही हैं। थोड़ा सा आप लोग मंगल को समझ लीजिए और थोड़ा शनि को, तब आप शनि के इस वक्री स्थिति के जो परिणाम होंगे उनको भी समझ पाएंगे। चूंकि शनि नैसर्गिक कारक होते हैं कर्म के और लाभ के, और मंगल के पास जो राशियां होती हैं, पहली राशि मेष और वृश्चिक, मतलब कि कहीं ना कहीं ये हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को, जो उसका निर्णय लेने का तरीका है, जो उसकी बौद्धिक क्षमता है, जो उसका पूरा व्यक्तित्व है, क्योंकि मेष से मंगल का संबंध बन रहा है। इसके अलावा वृश्चिक राशि, तो जो भी आपके अंदर की हिडन चीजें होती हैं, जो भी आपकी दबी हुई इच्छाएं हैं, आपका जो गूढ़ ज्ञान है, जो भी आपके अंदर एबिलिटीज हैं जिसको सिर्फ आप जानते हैं, वो सारी चीजें इस टाइम पीरियड में उभर करके निकल करके आ सकती हैं। और शनि ग्रह चूंकि स्लो प्लैनेट है ये और बड़ा क्रूर ग्रह है, ये न्याय करता है, तो जब ये मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो हर एक व्यक्ति को एक तो अपने डिसीजंस को लेकर के बहुत सजग रहना चाहिए। आप इस 1 महीने 10 दिन के टाइम पीरियड में जो भी निर्णय करते हैं, आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए डिसीजंस हो, वहां आपको विशेष सजगता रखनी चाहिए। मतलब कि जल्दबाजी में या बहुत ज्यादा आवेग में आकर के बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि शनि मंगल के कंट्रोल में रहेंगे, मंगल के अनुसार जो है शनि को काम करना पड़ेगा। कुंभ की राशि में ये सब कुछ हो रहा है जो कि इनकम को दिखाती है, हर एक तरह के कर्म के बाद में जो व्यक्ति का रिजल्ट होता है उस चीज को ये प्रभावित करेगा। तो आप लोग अपने निर्णयों को लेकर के सबसे अधिक सावधानी रखिएगा। इसके अलावा मंगल से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं और शनि से संबंधित, जैसे कि आपका प्रोफेशन है, नौकरी है, आपका बिजनेस है, ब्लड से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, प्रॉपर्टी है, आपके जो रिलेशंस होते हैं, किसी के भी साथ में जो रिश्ते होते हैं, स्पेशली जो आपके भाई बहन होते हैं उन लोगों के साथ में जो संबंध होते हैं, या जो आपके फ्रेंड सर्कल के लोग होते हैं, उस सारे क्षेत्रों में आपको थोड़ी सी सजगता के साथ में इस पूरे 1 महीने 10 दिन के समय में रहना चाहिए, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे और जो भी आप डिसीजंस ले लेंगे उसका रिजल्ट आपको बाद में समझ में आएगा। तो चलिए बात करते हैं कि
मेष वालों के लिए क्या हो सकता है, और मैं आप लोगों के इस ट्रांजिट के रिजल्ट को बताऊं, उसके पहले सबसे पहले मैं आप सभी व्यूअर्स को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। और दूसरा, आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जब ये शनि मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में, तो उस समय पे जो मंगल की स्थिति है अभी ट्रांजिट में, वो तुला राशि में है और अस्त की स्थिति में है। केतु के साथ में ये रहेंगे 30 अक्टूबर तक, और 16 अक्टूबर से मंगल को सूर्य का भी साथ मिल जाएगा, और इस मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि रहेगी। ये एक अच्छी चीज है, मतलब कि गुरु मंगल को थोड़ा सा कंट्रोल करने का काम करेंगे, क्योंकि शनि मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो अब शनि जो काम करेंगे, शनि जो रिजल्ट देने का, जो मंगल का जो काम करने का तरीका रहेगा, या मंगल जिस तरीके से शनि को प्रभावित करना चाहेंगे, उस मंगल के ऊपर चूंकि गुरु की भी दृष्टि रहेगी, तो थोड़ा सा राहत की बात रहेगी कि मंगल जो भी करेंगे उसमें एक अंकुश रहेगा गुरु का। तो ये थोड़ी राहत वाली चीज है और अच्छी बात है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेष वालों को इस 1 महीने 10 दिन में क्या हो सकता है आपके साथ। तो देखिए, शनि आपके लाभ के मालिक हैं और कर्म के मालिक हैं। ये मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं धनिष्ठा में। मंगल आप लोगों के लग्नेश होते हैं और अष्टम भाव के मालिक होते हैं। तो शनि आपके लग्न को भी देख रहे हैं, आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, और ये अपनी 10वीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो क्या होगा कि आप लोगों को यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो आपका पूरा, आपकी पूरी हेल्थ है, आपकी जो निर्णय क्षमता है, जो आपका लोगों के साथ में संबंध है, काम करने का जो तरीका है, उन सारी चीजों को लेकर के आप बहुत अलर्ट रहिएगा, स्पेशली स्वास्थ्य का। और कुछ लोगों को अभी से इसके रिजल्ट मिलने शुरू हो गए होंगे, क्योंकि शनि जब धनिष्ठा में प्रवेश करेंगे तो ये सबसे पहले आपके हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य का ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा जितना भी आपका प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो आपके मैटर होते हैं, आपको जमीन लेनी है, खरीदनी है, बेचनी है, या आपका जो पूरा लैंड से रिलेटेड काम होता है, वहां पर भी आपको देख करके, समझ करके तभी कोई डिसीजन लेना है। और आप प्रयास करिएगा कि कोई भी काम 30 अक्टूबर के बाद ही करिएगा, जब आपके लग्नेश मंगल जिस नक्षत्र में शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, चूंकि आपके लगन लॉर्ड के ऊपर एक मैल्फिक प्लेनेट उसके ऊपर है, तो आपको तो स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जो लोग रिसर्च में हैं, उनको ये चीज फायदा कर देगी। आप डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, डाटा एनालिटिक के फील्ड से जुड़े हुए हैं, या कोई भी ऐसा काम है आपका, आपकी कोई कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, आप कोई कॉन्ट्रेक्टरशिप का काम करते हैं, वहां पर ये शनि जब मंगल के नक्षत्र में जाएगा धनिष्ठा में, वहां पर आपको लाभ करवा देगा, और ये हिडन चीजों से भी आपको बहुत फायदा करवाएंगे। जितनी भी चीजें आपके बच्चों से संबंधित होती हैं, जो भी आपके रिलेशनशिप हैं, बच्चों से जुड़ी हुई चीजें हैं, उन क्षेत्रों को शनि उतना नेगेटिवली नहीं प्रभावित कर पाएंगे, बल्कि वहां पर एक तरीके से सैटर्न सपोर्ट देने का काम करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वहां पर आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो जो भी लोग किसी भी तरह की बीपी से संबंधित, जिनको प्रॉब्लम है, अधिक एज है, आपका ब्लड प्रेशर सही नहीं रहता है, तो वहां आपको विशेष रूप से ध्यान रखना रहेगा। इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि आपका बीपी जो है वो बहुत तेजी से फ्लक्चुएट हो, सडन वो लो हो, हाई हो, या आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगे, बहुत ज्यादा आपके अंदर एग्रेशन, चिड़चिड़ाहट, या आपका जो नेचर है वो थोड़ा सा बहुत एरोगेंट हो जाए, आप लड़ने झगड़ने के मूड में आ जाए, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। अगर आप किसी भी रिसर्च जैसी चीजों से जुड़े हुए हैं, वहां पर भी सैटर्न आपको फायदा करवा देंगे, तो उसका आप लोग लाभ ले लीजिएगा। और यहाँ पर कुछ लोगों को अपने एंसेस्टर्स की जो प्रॉपर्टी वगैरह होती है, उसके जरिए से फायदा भी शनि दिलवा देंगे। मतलब कि आपको आर्थिक दृष्टि से फायदा हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, फाइनेंशियल आपके गेन भी हो रहे हैं, सिर्फ हेल्थ के ऊपर और आपके ओवरऑल डिसीजन के ऊपर, आपके व्यक्तित्व के ऊपर शनि नकारात्मक ढंग से आपको प्रभावित कर सकते हैं।
ओवरऑल जो कहा जाए थोड़ा मेष वालों को ध्यान रखना है, क्योंकि आपके ये बाधकेश भी होते हैं शनि, और इनका जो संबंध बनेगा वो शत्रु नक्षत्र में बढ़ रहा है, तो मेष वालों को थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। वृषभ के लिए बात करें तो आप लोगों के लिए जो मंगल की राशियां आती हैं, एक तो आपके 12वें भाव में आती है और दूसरा आपके 8वें भाव में, तो पहला काम आप ये करिएगा कि जो भी लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और आपकी लाइफ में किसी भी तरह के डिस्प्यूट चल रहे हैं, चाहे अपने लाइफ पार्टनर के साथ में या आपका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में किसी भी तरह का कुछ वाद विवाद है, कोई मतभेद है, तो 1 महीने 20 दिन का जो टाइम पीरियड रहेगा बिल्कुल शांति से निकालिएगा। कोई भी यहाँ पर बड़े निर्णय आप लोग बिल्कुल मत करिएगा, ये नहीं कि हस्बैंड वाइफ है और पहले से कुछ विवाद चल रहा है तो इस 1 महीने 1.5 महीने के पीरियड में आपने कोई बड़ा निर्णय कर लिया कि अलग हो जाना है, दूर चले जाना है, ऐसी स्थितियां बनेंगी वृषभ वालों के साथ में, क्योंकि आपका 7th हाउस जो है वो शनि उसको बहुत तेजी से प्रभावित करेंगे। यहाँ पर आप लोगों के लिए सैटर्न कुछ खर्चे करवा सकते हैं, आप अपने प्रोफेशन के ऊपर, बिजनेस के ऊपर पैसों का आपका खर्चा हो सकता है, तो ये आप इसको किस तरीके से लेते हैं, अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसके एक्सपेंशन के लिए आप यहाँ पर पैसे लगा सकते हैं, कोई आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड काम है, आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उन सब चीजों में आपके पैसे व्यय होंगे और फाइनली उससे आपको फायदा होगा, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो भी एक्सपेंसेस आपके होंगे उसका ध्यान रखिएगा। जो लोग कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं फॉरेन से जुड़े हुए, उनको यहाँ पर शनि फायदा कराएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। व्यापार बिजनेस से संबंधित चीजों के लिए और मैरिड लाइफ में जो लोग हैं उनको यहाँ पर शनि प्रभावित करेंगे मंगल के नक्षत्र में जाने के बाद, तो पार्टनरशिप में और विवाह आपका ये दो चीज जो है यहाँ पर प्रभावित होता हुआ दिखाई पड़ रहा। बाकी आपके लिए नौकरी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर जो है चेंजेस करेंगे आप, आपका जॉब चेंज हो सकता है, सडन आपका ट्रांसफर हो सकता है, जो चीज आप नहीं चाहते, जैसे जगह पे आप नहीं जाना चाहते, कहीं ऐसी जगह पर आपको ट्रांसफर कर दिया जाए, ये सभी शनि आपके साथ में करवा सकते हैं, तो उसका थोड़ा आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। और कुछ यहाँ पर पैसे भी आपके खर्च होंगे, वो खर्च हो सकता है कि आप अपने व्यापार बिजनेस को बढ़ाने में कर दें, या आपने किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन से संबंधित चीजों के लिए जो आपकी प्रॉपर्टी है, व्हीकल है, घर की चीजें होती हैं, वहां पर कुछ पैसे व्यय होने के भी योग ये शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपसे कराएगा। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए, आपके लिए 11वें भाव में, सॉरी 9th हाउस में शनि है, अभी वक्री स्थिति में मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो आपका 11वां भाव और आपका 6ठा भाव एक्टिवेट हो रहा है, तो देखिए एक चीज के लिए तो बहुत अच्छा है कि शनि यहाँ पर आपको लाभ करवाएंगे, गवर्नमेंट से आपको फायदा हो सकता है, जो लोग किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन के फील्ड से जुड़े हुए होते हैं, जो लोग कॉन्ट्रेक्टरशिप का काम करते हैं, उनके लिए भी ये समय लाभ देने का रहेगा। कुछ लोगों को यहाँ पर नई जॉब मिल सकती है, अगर आप ट्राई कर रहे थे सर्विस के लिए या आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ट्राई कर रहे थे, उन सारी चीजों में आपको सफल होने के शनि योग निर्मित कराएंगे, या आपके सर्विस वाले जगह पे जहाँ पर आपका जो वर्क प्लेस है वहां पर अगर आपका किसी के साथ में कोई डिस्प्यूट चल रहा था, कोई डिफरेंस और जो एक विवाद जैसी स्थितियां चल रही थी, उन सारी चीजों में ये समय 1 महीने 10 दिन का जो टाइम पीरियड है आपको वहां पर सक्सेस दिलवा देगा, मतलब कि जितने भी आपके जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रहे थे उनको ये ट्रांजिट दूर कर देगा, उसमें आपको फायदा हो रहा है। तो मिथुन वाले जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन आर्थिक लाभ करवाएगा, आपको गवर्नमेंट से संबंध बनाएगा, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ करवा सकता है, नई जॉब दिलवा सकता है, कोई आप हेल्थ रिलेटेड किसी तरह की दिक्कतों में फंसे हुए थे वो सब चीजें आपकी यहाँ पर ठीक हो सकती हैं। और दूसरी चीज ये होगी कि कंपटीशन में फायदा होगा, नई जॉब मिल सकती है, लोन वगैरह के लिए अगर आप ट्राई कर रहे थे तो वो भी आपको इस समय पर मिल सकता है, लेकिन आप प्रयास करिएगा कि इस समय पर लोन नहीं लीजिएगा, क्योंकि शनि के समय में जो लोन लिया जाता है, जो कि शनि बड़े स्लो मूविंग प्लेनेट है, तो इस समय पर जो आप लोन लेंगे उसको पूरा करने में, कंप्लीट करने में हो सकता है बहुत लंबा समय लग जाए, इसलिए प्रयास करिएगा कि लोन ना लें तो ज्यादा अच्छा है, बाकी सर्विस के लिए, कॉम्पिटिशन के लिए बहुत अच्छा है, ये मिथुन वालों के लिए काफी अच्छा जा रहा है। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए, देखिए
मंगल आपके सॉरी शनि आपके 8वें भाव में ट्रांजिट में चल रहे हैं और ये वक्री स्थिति में धनिष्ठा में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो फिफ्थ हाउस है और 10th हाउस है, ये दोनों हाउसेस आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। कुछ कर्क वालों के लिए जॉब चेंजेस का यहाँ पर टाइम आएगा, मतलब कि आपका ट्रांसफर हो जाए या जो आपकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजें हैं, जॉब में ट्रांसफर होना, चेंजेस आ जाना, आपका व्यापार बिजनेस है उसमें किसी तरह के बदलाव हो जाना, क्योंकि ऑलरेडी आपके 10th हाउस में गुरु और राहु भी बैठे हुए हैं विशेष रूप से 30 अक्टूबर तक। तो आप लोग प्रयास करिएगा कि इस समय पे कोई बड़े परिवर्तन मत कर लीजिएगा, सडन किसी तरह का बदलाव मत करिएगा, चाहे वो आपकी नौकरी हो या आपका बिजनेस हो। जब ये शनि वापस अच्छी स्थिति में आएंगे, जब ये मार्गी हो जाएंगे और शतभिषा के नक्षत्र में आ जाएंगे, उस समय पर आप डिसीजंस लीजिएगा। इस 1 महीने 10 दिन के पीरियड में अपने जॉब से रिलेटेड कोई बड़े फैसले मत करिएगा। अगर आपका डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होता है, वहां तो देखिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो आपको लेना पड़ेगा, मगर अपनी तरफ से आप निर्णय मत लीजिएगा कि बदलाव के लिए कोई प्रयास मत करिएगा। इस समय पर जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, स्पेशली जो हायर स्टडीज करते हैं, उनको ये गोचर फायदा करा देगा, मतलब कि आपको अपने बच्चों से, संतान से, जो आपके लव अफेयर्स वगैरह होते हैं, उन सारी चीजों में ये शनि आपको मदद करेंगे। लेकिन जो लोग ऑलरेडी पहले से किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, पार्टनर के साथ में विवाद मत करिएगा, क्योंकि शनि मंगल को एक्टिवेट, मंगल के नक्षत्र में है, तो कुछ लोग नए रिलेशनशिप की ओर भी जाएंगे। कर्क वाले लोग हैं, जितने भी हैं कर्क वालों के लिए इस तरह के चांसेस बनेंगे। जो आपके बच्चे होते हैं, जो आपके छोटे बच्चे हैं या आपके बड़े बच्चे हैं, उनसे संबंधित जो डिसीजन वगैरह है, उसको भी बिना सोचे समझे मत लीजिएगा। ऐसी स्थितियां बनेंगी आप लोगों के साथ कि बच्चों से रिलेटेड कुछ काम आपको करना पड़े, लेकिन उसको बहुत दूर तक सोच के तभी लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों के लिए जॉब चेंजेस के बहुत ज्यादा योग दिखाई पड़ रहे हैं कर्क वालों के लिए। फिर बात करते हैं देखिए सिंह वालों के लिए। आप लोगों के लिए विवाह भाव में 7th हाउस में शनि ट्रांजिट में चल रहे हैं, अब ये वक्री हो रहे हैं मंगल के नक्षत्र में। मंगल जो होता है आपका भाग्य का मालिक होता है और आपके 4th हाउस का लॉर्ड होता है। तो ये टाइम पीरियड जितने भी सिंह वाले लोग हैं, आपको ये यात्राएं करवा सकता है एजुकेशन पर्पज से, या कोई भी ऐसा जरिया बनेगा, चाहे एजुकेशन है, चाहे आप ऐसे ही किसी रिलीजियस ट्रिप पे जाएं, कुछ ना कुछ आपको ये यात्राएं करवाएगा। लेकिन थोड़ा अपने फादर की सेहत का ध्यान रखिएगा, उनके हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं आए या उनके साथ में जो आपको रिलेशनशिप है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने पाए। सिंह वालों के लिए यहाँ पर एक बहुत संभावना दिख रही है कि आप लोग के घर के अंदर जो कंस्ट्रक्शन वाला एरिया है, चाहे वो आपका मकान है, व्हीकल है, प्रॉपर्टी है, इससे संबंधित कुछ रुके अटके हुए जो काम होंगे, इस 1 महीने 10 दिन में वो सब कुछ पूरा हो सकता है। तो शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन उन लोगों को फायदा कर देगा जो लोग किसी तरह के रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ करके काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो लोग सिविल इंजीनियर्स हैं उन लोगों को बहुत फायदा करेगा। या आपका कोई ऐसा काम है जो कि किसी भी चीज को बनाने का काम है, मैकेनिकल इंजीनियर हैं आप, या ऐसे क्षेत्रों में आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग की कर रहे हैं, उन लोगों को ये ट्रांजिट बहुत फायदा करेगा, बहुत सपोर्ट करेगा। शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन आपको यात्राएं दिलाएगा और आपके घर में कुछ नया कंस्ट्रक्शन हो सकता है, या आप कुछ मकान खरीद लें, गाड़ी खरीद लें, घर में कोई रिपेयरिंग वगैरह का काम है वो कर दें, कुछ ना कुछ रेनोवेशन हो जाएगा। और आपकी जो मदर है उनकी हेल्थ में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम वगैरह चल रही होगी तो उसको ठीक होने के भी योग यहाँ पर बनेंगे, लेकिन उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मेल्फिक प्लेनेट है शनि, तो आपके चौथे भाव से जुड़े हुए रिजल्ट्स देना चाहेगा, लेकिन नक्षत्र चूंकि शत्रु का है तो थोड़ा सा संबंधों में ये टकराव ला सकता है, लेकिन अचीवमेंट की दृष्टि से ये ट्रांजिट आपको फायदा कर देगा। फिर बात करते हैं देखिए कन्या वालों के लिए। कन्या वालों के लिए आपके 6वें भाव में शनि चल रहे हैं, अब ये मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जो कि आपके 8वें भाव के मालिक होते हैं और आप लोगों के 3रे भाव के मालिक होते हैं। दोनों ही जो हाउसेस होते हैं बहुत ऑब्स्टिकल्स हर्डल्स वाले होते हैं। कन्या वालों के लिए आपकी बहुत ज्यादा मेहनत बढ़ने जा रही है, ध्यान रखिएगा आप लोग, आपको अगर स्वास्थ्य में किसी भी तरह की दिक्कत है, कोई भी छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम है, उसको बहुत
केयरफुली नोटिस करिएगा, उसको जरा भी टालिएगा मत, डॉक्टर को दिखाइएगा। किसी भी तरह के आपके डिस्प्यूट हैं, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, वाद विवाद होते हैं, कोर्ट कचहरी वाली चीजें होती हैं, इन चीजों में आप बहुत बहुत संभाल करके चलिएगा। अदरवाइज आपकी आपके जो छोटे मोटे विवाद हैं वो बहुत बड़ा रूप ले सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो बड़ा रूप ले सकती है। तो आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और डिस्प्यूट का भी ध्यान रखना है। जो आपके ससुराल पक्ष के लोग होते हैं उन लोगों के साथ में भी आपको यहाँ पर बहुत तालमेल बनाने की जरूरत रहेगी। और जो लोग रिसर्च में हैं, जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, डाटा एनालिटिक के फील्ड से जुड़े हुए हैं, या जिन लोगों का कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, उन लोगों को यहाँ पर शनि फायदा करवा देंगे। आपका कोई पेट्रोकेमिकल काम है, जमीन के अंदर से जुड़कर के कुछ कार्य है, कोई गुप्तचर विभाग में आप काम करते हैं, उन सब चीजों के लिए शनि फायदा कराएगा। लेकिन आपको चोट चपेट का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपकी जो मंगल की राशि है मेष, वो आपके 8वें भाव में पड़ रही है। तो ये शनि और मंगल का जो एक प्रभाव रहेगा अष्टम के ऊपर, क्योंकि शनि तीसरे दृष्टि से आपके अष्टम भाव को भी देख रहे हैं और दूसरा ये आपके थर्ड हाउस को भी देख रहे हैं। तो यहाँ आपको स्वास्थ्य का, चोट चपेट का, वाद विवाद का विशेष रूप से ध्यान रखना है। लेकिन जो लोग आईटी सेक्टर, मीडिया से जुड़ करके काम करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, किसी भी तरह का आपका अपने जो भी जो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम है, या जो भी आपका ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम है, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कुछ काम है, उन सारी चीजों में आपको ये फायदा करवाएंगे। ये जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है उससे आपको लाभ होगा। लेकिन अपने कम्युनिकेशन का ध्यान रखिएगा, छोटे भाई बहनों की हेल्थ का और उनके साथ संबंधों का, जो आपके करीबी लोग हैं उन लोगों के साथ थोड़ा संभाल करके चलिएगा। वहां पर थोड़ा बहुत वाद विवाद या मतभेद हो सकता है, फिर भी करने वालों को इस पूरे 1 महीने 10 दिन में विशेष सावधानी रखनी है अपने स्वास्थ्य का, चोट चपेट, वाद विवाद का। आप लोगों के लिए थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। आप लोगों के शनि पंचम भाव में हैं, अभी मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके सेकंड हाउस में मंगल की राशि है और सप्तम में राशि है, तो पहला काम तो शनि क्या करवाएंगे, जितने भी तुला वाले लोग हैं आपके व्यापार बिजनेस, इसको तो ये बढ़ा देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। व्यापारिक गतिविधियां आपके 1 महीने 10 दिन में बढ़ेंगी, लेकिन जो आपका लाइफ पार्टनर है उसकी सेहत में किसी तरह की दिक्कत आ सकती है। अगर आपका पहले से कोई वाद विवाद, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, उन सारी चीजों में शनि यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपके 7th हाउस को भी एक्टिवेट करेंगे और बैठ करके ये थर्ड एस्पेक्ट से देखेंगे भी 7th हाउस को, जहां पर मेष राशि है, इनके बीच की दृष्टि जाती है। तो पार्टनर के साथ में आपको बिल्कुल भी विवाद नहीं करना है, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, डिस्प्यूट, डाइवोर्स, जितनी भी मतभेद वाली चीजें होती हैं, प्रॉब्लमेटिक चीजें होती हैं, तुला वाले लोग 1 महीने 10 दिन का टाइम पीरियड आप लोग निकाल दीजिएगा। बड़े फैसले कदापि मत करिएगा। इसके अतिरिक्त जितने भी आपके व्यापार से, बिजनेस से संबंधित गतिविधियां हैं, या जो भी आपका पूरा जो आपका धन है उससे संबंधित यहाँ पर इवेंट आपको देखने को मिलेंगे। शनि आपको कुछ पैसे वगैरह दिलवा सकते हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, या आपने पहले से कुछ बना करके रखा हुआ है, कुछ पैसे वगैरह निवेश करके रखी थी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मैच्योर हो और वो फाइनेंस के रूप में कन्वर्ट होकर के मिले। लेकिन जो आपके फैमिली के अंदर के जो रिश्ते होते हैं, जो आपका कुटुंब भाव होता है, वहां के सुख को शनि प्रभावित कर सकते हैं। मतलब कि पारिवारिक सदस्यों के साथ थोड़ा सा बना करके चलिएगा, वाणी अपनी अच्छी रखिएगा, कड़वा मत बोलिएगा, नहीं तो आपके बोलने की वजह से, आपके खान पान की वजह से आपके संबंधों में दिक्कत आएगी और आपके स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी। तुला वालों को यहाँ पर थोड़ा सा अपने रिश्तों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, मैरिड लाइफ का और पार्टनरशिप का। बाकी आपका व्यापार, बिजनेस, ये सारी चीजें बढ़ेंगी। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। आप लोगों के लिए शनि आपके 4th हाउस में वक्री स्थिति में है, अब ये जा रहे हैं धनिष्ठा के नक्षत्र में। और मंगल जो ग्रह होता है, पहले तो आपका लग्नेश ही है वृश्चिक वालों के लिए, और दूसरा ये आप लोगों के 6ठे भाव के मालिक हैं। ये 2 हाउसेस आपके एक्टिवेट करेंगे। जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, पहला काम आपको ये करना है कि आप अपनी सेहत को लेकर के थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। जिनकी भी शनि मंगल के दशांतर प्रत्यंतर वगैरह चल रही है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उस पर आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपका पूरा व्यक्तित्व पहला भाव है। जो भी आप इस टाइम पीरियड में निर्णय लेते हैं उसका भी आपको ध्यान रखना है। गुस्सा बिल्कुल मत करिएगा, अचानक से बड़े डिसीजंस लेना, क्रोध में, आवेग में आके कुछ भी कर लेना,
इन सब चीजों का आपको बचाव करना रहेगा। लेकिन जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई भी आपका वाद विवाद डिस्प्यूट लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी ऐसी कुछ भी चीजें आपकी चल रही हैं, उन सब चीजों को शनि दूर करने का प्रयास करेगा, क्योंकि आपका छठवां भाव एक्टिवेट हो रहा है, वहां पर रव गुरु है और राहु है। तो ये जो शनि का नक्षत्र परिवर्तन है आपको कंपटीशन वगैरह में सक्सेस दिलवा सकता है। तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो मन लगा करके पढ़िए। इस टाइम पीरियड में जो आपकी मदर है उनकी सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए, उनकी हेल्थ से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है उसमें आपको ध्यान रखना रहेगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखना रहेगा। बाकी प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर में आपको शनि फायदा करवाएंगे, कंस्ट्रक्शन निर्माण में भी आपको फायदा कराएंगे, लेकिन जो आपका कंपटीशन वाला एरिया है, सर्विस वाला है, वहां आपको फायदा होगा। लेकिन मामा पक्ष और जो भी जो आपकी मदर के नीज वगैरह से रिलेटेड चीजें होती हैं उन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, उसमें आपको छिटपुट दिक्कत देखने को मिल सकती है। फिर भी वृश्चिक वालों के लिए यहाँ पर अपने बड़े डिसीजंस को लेकर के आपको थोड़ा आप प्रयास करिएगा कि कोई बहुत बड़ा आप काम करने जा रहे हैं तो उसको बहुत समझ करके ही करिएगा, क्योंकि यहाँ पर शनि मंगल के नक्षत्र में जा करके और आपसे बहुत जल्दबाजी में कोई फैसला करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको लोन लेने के लिए भी स्थितियां निर्मित होंगी, लोन आपको यहाँ पर मिल भी सकता है, लेकिन आप प्रयास करिएगा कि मत लीजिएगा लोन, क्योंकि शनि वक्र स्थिति में है मंगल के नक्षत्र में, तो इस समय पर जो आप लोन लेंगे उसको पूरा करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मत लीजिएगा लोन अभी। बाकी कंपटीशन वगैरह के लिए अच्छा है, लड़ाई झगड़े वाद विवाद कोर्ट कचहरी इस तरह की कुछ भी स्थितियां आपकी होंगी वहां पर शनि आपको सफल करवाने में काफी हेल्प कर देगा, जो नक्षत्र परिवर्तन है। फिर बात करते हैं धन वालों के लिए, आपके शनि जो है थर्ड हाउस में चल रहे हैं वक्री स्थिति में, और ये मंगल के नक्षत्र में अब प्रवेश करेंगे वक्री स्थिति में ही। मंगल आपके 12वें भाव के मालिक बनते हैं और आपके पंचम भाव के, तो ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पर शनि आपके कुछ पैसे खर्च करवा रहे हैं। खर्चे आप किस पे करेंगे? अपने स्टडीज के ऊपर करेंगे, अपने काम धंधे के ऊपर करेंगे। यहाँ पर ये नक्षत्र परिवर्तन आपको कुछ एजुकेशनल टूर भी दे सकता है, कोई भी आप यहाँ पर जर्नीज करते हुए अपने आप को पाएंगे, और वो जो यात्राएं होंगी ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपने क्रिएटिविटी को लेकर के या पढ़ाई लिखाई को लेकर के आप लोग यहाँ पर यात्रा करेंगे। लेकिन एक चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस पूरे 1 महीने 10 दिन के समय में जो भी लोग किसी भी तरह के रिलेशनशिप में है वहां थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। ये टाइम पीरियड आपको नया रिश्ता दे सकता है, आपके जो बच्चे हैं बच्चों से संबंधित यहाँ पर कुछ इवेंट आपको देखने को मिलेंगे, जिनके बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं उन लोगों की लाइफ में कुछ यहाँ पर अच्छा हो सकता है। अच्छा मतलब कि जैसे आपका बच्चा पढ़ रहा है तो बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगे इस टाइम पीरियड में, यहाँ पर आपको बच्चे आपको कुछ प्रेगनेंसी वगैरह कंसीव हो ऐसा भी शनि करवाएंगे। लेकिन वहां पर आप ध्यान रखिएगा अपनी हेल्थ का, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनको भी, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और प्रेग्नेंट लेडी हैं यहाँ पर आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, उसमें दिक्कत आ सकती है क्योंकि शनि के एस्पेक्ट भी रहेगा आपके 5th हाउस पे। बाकी जितने भी लोग ऑनलाइन मीडिया से जुड़ करके कार्य करते हैं, क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, वो सब लोगों को फायदा होगा। लेकिन आप किसी तरह के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं पढ़ाई कर रहे हैं, वहां आपको बहुत ध्यान से पूरे फोकस के साथ में पढ़ना चाहिए। आपका मन यहाँ पर थोड़ा सा फ्लक्चुएट होगा, फ्लक्चुएट का मतलब है कि आप एक तरह से अनिर्णय की स्थिति में रहेंगे, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। दूसरा आपको क्या करना है कि आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम हो, कुछ भी आप लिखने पढ़ने का काम कर रहे हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन क्षेत्रों में तो आपको फायदा होगा, लेकिन किसी तरह की आपसे मिस्टेक नहीं होने पाए, गलतियां नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। ये नक्षत्र परिवर्तन आप लोगों की लाइफ में कुछ खर्चे लेकर के आ रहा है, वो खर्चे बच्चों के ऊपर हो सकते हैं, स्टडीज पे हो सकते हैं, आपके क्रिएटिव वर्क पे हो सकते हैं, ऐसी संभावना बनेगी। फिर भी आपके लिए कुल मिला के ठीक कहा जाएगा। फिर मकर के लिए बात करते हैं, आप लोगों के तो लग्नेश ही होते हैं और 2nd हाउस में शनि चल रहे हैं, अब ये जाएंगे मंगल के नक्षत्र में। मंगल आपके 4th हाउस के लॉर्ड है और 11वें के लॉर्ड है, अभी ये 10वें में बैठे हुए रहेंगे, अस्त की स्थिति में रहेंगे। ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर लेकर के आ सकता है, जमीन है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, व्हीकल है, या किसी तरह का आपको ये प्रमोशन दिलवा दे, नई जॉब दिलवा दे,
कुछ आपको ये फाइनेंशियल गेन करवा दे। शनि का धनिष्ठा में जो ये गोचर रहेगा मकर वालों के लिए, कुछ आर्थिक फायदा लेकर के आ रहा है, कहीं से पैसों का आपको लाभ हो जाए। और दूसरा चीज, ये टाइम पीरियड रहेगा जब आपको कुछ नई जॉब, प्रमोशन, कंस्ट्रक्शन, ऐसा कुछ आपके लाइफ में होगा। और लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो आपकी मदर है उनके साथ अपने संबंधों का जरूर ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पर व्हीकल मिल सकता है, गाड़ी मिल सकती है, घर का रिनोवेशन हो सकता है, कुछ नया आप खरीद लें, ऐसा कुछ आपका होगा। या आपके घर से संबंधित कोई अटकी हुई चीजें पड़ी हुई हो, जो बहुत लंबे समय से आपने सोचा हो कि आपको घर को रिनोवेट कराना है, या कुछ कंस्ट्रक्शन कराना है, या कुछ घर में अधूरे काम रह जाते हैं, उन सब चीजों को ये पूरा करवा सकता है शनि। लेकिन मदर की सेहत का ध्यान रखिएगा। और जो भी आप परचेजिंग वगैरह करेंगे, कंस्ट्रक्शन है, निर्माण है, व्हीकल है, आप प्रयास करिएगा कि शनि जब 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे उसके बाद ही करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि वो मार्गी स्थिति में चलेंगे तो चीजें आपके जो भी करेंगे वो स्मूथ, मतलब क्लियरली, बिल्कुल सीधे सीधे वो काम आपका फिर कंप्लीट होना शुरू होगा। 14 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड है, यहाँ प्रयास करिएगा कि आप ना करें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि राहु भी 30 को आपका निकल जाएगा 4th हाउस से, और गुरु अकेले रहेंगे, फिर गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि जाएगी और आपका 4th हाउस और 11th हाउस एक्टिवेट होगा। तो आपको तब आप जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करेंगे वो आपका बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको इजिली मिल जाए और आपको फायदा भी हो। तो जितने भी लोग रियल एस्टेट वगैरह में हैं उनको यहाँ पर फायदा हो रहा है। थोड़ा सा मदर के साथ का जो रिलेशनशिप होता है उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जब शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन बनता है तो ये अचीवमेंट्स तो करा देते हैं, लेकिन जिस भाव से संबंध बनता है रिश्ते का, वहां पर ये थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। इन चीजों का ध्यान रख लीजिएगा। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। आपके लग्न स्थान पे शनि ट्रांजिट में चल रहे हैं, अब ये धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में जाएंगे, तो हाउसेस जो आपके एक्टिवेट हो रहे हैं, एक तो आपका 3rd हाउस एक्टिवेट हो रहा है और आपका 10th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। दोनों ही मेहनत वाले हाउसेस होते हैं। यहाँ पर आप लोगों के साथ में क्या होगा कि कुछ लोगों को यहाँ पर नई जॉब, प्रमोशन और किसी भी तरह का व्यवसाय है, बिजनेस है, उसमें आपको कुछ नए इवेंट होते हुए दिखेगी, कुछ बदलाव हो जाए, नई जॉब मिल जाए, प्रमोशन हो जाए, कहीं आपका स्थान बदल जाए, ऐसी घटनाएं आपके साथ में होंगी। इसी के साथ साथ जो लोग मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके कार्य करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम है, आप आईटी सेक्टर में हैं, कोई भी आपका टूर, ट्रेवल्स, मास मीडिया, ऐसा कुछ भी काम है, डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा हुआ काम है, किसी भी तरह के क्रिएटिव फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, उन सब जगहों से जुड़ करके आपको इस समय पर परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके जो जॉब रिलेटेड इवेंट होंगे या व्यापार बिजनेस में किसी तरह के जो बदलाव होंगे, ये सबों का आप ध्यान रखिएगा 30 अक्टूबर के बाद ही करिएगा। अगर आपको व्यापार बिजनेस में कुछ चेंजेस लाने हैं तो 30 अक्टूबर के बाद, क्योंकि आपके जो राहु की स्थिति है उसकी प्लेसमेंट चेंज होगी आपके 3rd हाउस से, तो ये एक अच्छी चीज रहेगी। और गुरु फिर वहां पर अकेले बैठेंगे, तब आप जो भी चेंजेस करेंगे वो आपको बहुत ज्यादा फायदा देके जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है आपको अपने बॉस के साथ में, आपके साथ में जो लोग काम करते हैं, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके आसपास के लोग हैं, उन लोगों के साथ अपने संबंधों का जरूर ध्यान रखिएगा। उसमें उतार चढ़ाव या एक तरह का जो हर्डल्स होता है, दिक्कत होती है, या संबंधों का जो खराब हो जाना होता है, ऐसी स्थितियां आपके लिए बन सकती हैं। लेकिन आपको नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस और ऑनलाइन क्षेत्रों से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं मीडिया वगैरह से, वहां आपको फायदा हो रहा है। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। देखिए, जितने भी मीन राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के 11वें भाव में शनि ट्रांजिट में चल रहे हैं, अब ये मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो जो हाउसेस आपके एक्टिवेट हो रहे हैं, भाग्य भाव 9th हाउस और 2nd हाउस, यहाँ पर आप लोगों के लिए ये शनि का नक्षत्र परिवर्तन कुछ जर्नीज लेकर के आएगा। एजुकेशन से जुड़ करके, हायर स्टडीज से जुड़ करके यहाँ पर आप कुछ यात्राएं करेंगे, फाइनेंशियल गेन भी आपको ये करवाएगा, कहीं से पैसे मिलेंगे, एंसेस्टर प्रॉपर्टी से जुड़ के पैसे मिल जाए, या पहले का कुछ निवेश किया हुआ आपका कुछ हो वो सब पैसे के रूप में आपको मिल जाए, या आपको अपने फादर के माध्यम से कुछ फायदा हो जाए। तो यहाँ पर आप लोगों को फायदे तो हो रहे हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है, जो आप जर्नीज करेंगे वहां आपको सावधानी रखनी है। पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा, पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, उसमें थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आ सकते हैं, क्योंकि शनि 11वें भाव में बैठ करके आपके 9th हाउस के ऊपर दृष्टि भी डालेंगे।
और शनि चूंकि मेल्फिक प्लैनेट होते ही हैं ऑलरेडी, आपके 10वें भाव 11वें भाव के भी मालिक होते हैं, और मंगल को ही एक्टिवेट करेंगे, मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो ये आपको यात्राएं वगैरह कराएंगे, फाइनेंशियल गेन ये सब चीजें दे देंगे, लेकिन सेहत में ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस कर सकते हैं, तो फादर की सेहत का ध्यान रखना है। आपका जो कुटुंब भाव है, आपके फैमिली के अंदर की जो चीजें होती हैं, जैसे कि क्लोज जो परिवार के सदस्य होते हैं, उन लोगों के साथ कोई कटुता नहीं आने पाए, आप बोलिएगा, अपनी वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका सेकंड हाउस में आपका मंगल एक्टिवेट हो रहा है, शनि की दृष्टि भी है आपके सेकंड भाव पे, तो बोली की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने पाए, खाने पीने की वजह से ना कोई प्रॉब्लम होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। और विशेष रूप से 30 अक्टूबर तक जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि 30 अक्टूबर को जो राहु ग्रह है वो आपके लग्न में आके बैठ जाएगा, और वाणी भाव में सेकंड हाउस में जहाँ आपकी मेष राशि पड़ती है वहां पर अकेले गुरु बचेंगे, और तब आपका मंगल जब एक्टिवेट होगा तो ये आपको धन ला करके देगा, कहीं ना कहीं से आपको पैसों की प्राप्तियां होंगी। तो विशेष रूप से 4 अक्टूबर से लेकर के 4 नवंबर से लेकर के 24-25 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है, मीन वालों को कुछ फाइनेंशियल गेन होते हुए मिलेंगे यहाँ पर, और जर्नीज आप लोग जरूर करेंगे, यात्राएं आपकी यहाँ पर होंगी, तो ये एक अच्छी चीज है आप लोगों के लिए। और इस टाइम पीरियड में जो मंगल ग्रह है आपके, वो रहेंगे आपके अष्टम भाव में, तुला राशि में, वो भी अस्त की स्थिति में, तो पूरे में ट्रांजिट में ये 1 महीने 10 दिन का जो समय रहेगा, मिथुन वाला मीन वालों को अपने फादर की सेहत का जरूर ध्यान रखना चाहिए, उसमें थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल रही है, या उनकी हेल्थ में, या उनके साथ आपके संबंधों में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी आपके लिए फाइनेंशियल गेन यहाँ पर मिलेंगे और जर्नीज होंगी। देखिए, ये जो नक्षत्र परिवर्तन है शनि का धनिष्ठा नक्षत्र में, ये प्राप्तियों की दृष्टि से उतना खराब नहीं है, जो भी अचीवमेंट्स है, शनि जब मंगल के नक्षत्र में आएगा तो अपने हाउसेस के अकॉर्डिंग ये उस तरह के रिजल्ट देगा, लेकिन जिस भाव से संबंध बनाएगा, जिस भाव को ये एक्टिवेट करेगा, उस हाउस से जुड़े हुए जो रिश्ते होते हैं वहां पर उसकी सेहत का भी ध्यान रखिएगा, उसके साथ संबंधों का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब क्रूर प्लेनेट मेल्फिक प्लेनेट कहीं पर कनेक्शन बनाते हैं तो ये प्राप्तियों में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं, वो सारी चीजें देते हैं, बल्कि बहुत अच्छे से देते हैं, और दिक्कत जो ये देते हैं ये रिलेशनशिप में देते हैं, तो रिलेशनशिप कोई भी हो, भाई का हो, पति पत्नी का हो, बिजनेस पार्टनर का हो, आपके बॉस का हो, सर्वेंट का हो, किसी का भी रिलेशन हो, उसमें ये फ्रिक्शन पैदा करते हैं, तो ये जो ट्रांजिट है 1 महीने 10 दिन का आपको काफी अच्छे से रिजल्ट दे, इसके लिए आप लोग प्रयास करिएगा कि जिनके लिए शनि योग कारक है वो अपने शनि को स्ट्रॉन्ग करें, जिनके लिए मंगल योग कारक है अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग करें, और जिनके लिए मंगल अकारक ग्रह है जैसे कि मिथुन है, कन्या राशि लग्न के लोग हैं, आप लोग मंगल के दान कर दीजिएगा। मंगल के दान का मतलब ये है कि कोई भी आप जैसे हनुमान जी की पूजा कर लीजिए, मंदिर चले जाइए, सुंदरकांड पढ़ लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, मतलब कि हनुमान जी के शरण में आपको जाना पड़ेगा, वही आपका बचाव करेंगे। और डोनेशन आप बराबर कर सकते हैं, मंगलवार के दिन आप मसूर की दाल है, गुड़ है, ये सारी चीजें दान करते रहिए, गेहूं है, तामा है, फूल है लाल, ये सब कहीं मंदिर में दान कर दीजिए, किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिए, उससे आपको फायदा रहेगा। और अब की बार जो ये शनि का वक्री पीरियड है धनिष्ठा नक्षत्र में, बहुत ज्यादा यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि जब मंगल के नक्षत्र में प्रवेश भी करेंगे वक्री स्थिति में, तो देखिए 14 अक्टूबर से लेकर के और 4 नवंबर तक का टाइम पीरियड रहेगा, लगभग 20-21 दिन का समय रहेगा, जब ये शत्रु के नक्षत्र में उल्टी टेढ़ी, मतलब कि बड़े वक्र का मतलब होता है कि बड़े टेढ़ेपन के साथ, बड़े एग्रेशन में वो शत्रु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो सभी लोगों को अपने गुस्से का ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, ओवरऑल अपने व्यक्तित्व का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सभी के लिए यहाँ पर मेष राशि जो है वो एक्टिवेट हो रही है, जो कि मंगल की मूल त्रिकोण राशि होती है, लेकिन जितने भी लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, गुप्तचर विभाग में हैं, किसी अकल से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को ये परिवर्तन फायदा कराएगा, उनको दिक्कत नहीं देगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा ये जो शनि का नक्षत्र परिवर्तन है आपको समझ में आया होगा कि कैसे रिजल्ट करेंगे, और इस बार जब शनि निकलेंगे धनिष्ठा से और वापस मार्गी होकर के जब ये शतिविशा में पहुंचेंगे, फिर सभी के लिए जितने भी लोग हैं
30 ईयर्स के बाद जब ये वापस मकर में जाएंगे तब इनका मंगल के नक्षत्र से कनेक्शन बनेगा। बीच बीच में दृष्टियों से तो बहुत कुछ बनेगा, जब मंगल और शनि कहीं ना कहीं ट्राइन पे आएंगे, या मंगल शनि के नक्षत्रों, क्योंकि मंगल फास्ट मूविंग प्लेनेट है तो वो साल भर में चक्कर काटते काटते कभी ना कभी वो शनि के नक्षत्रों से कनेक्शन बना लेता है, या दृष्टि से कंजेक्शन, ये सब चीजें हो जाती हैं। लेकिन शनि स्पेशली मंगल के धनिष्ठ नक्षत्र में, कुंभ राशि में या मकर राशि में, ये सब जो इवेंट होगी वो 30 ईयर्स के बाद होती है। तो मकर वाले जो लोग हैं, कुंभ वाले लोग हैं, तुला वाले हैं, जिनके लिए शनि योग का रख रहा होता है, वो सबकी लाइफ में ये बड़ा चेंज वाला समय रहेगा। जो लोग 50 के आसपास के हैं, 55-60 के आसपास के लोग हैं, वो लोग देखेंगे कि उनकी लाइफ में कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी। बहुत से लोगों का बहुत अच्छा घर बनेगा, बहुत से लोगों के बच्चों से जुड़े हुए बड़े काम हो जाएंगे। मतलब कि बहुत, जो जीवन में बहुत कम बार में जो काम किए जाते हैं, जैसे मकान है, गाड़ी है, ये सब चीजें रोज रोज तो होती नहीं है, तो ऐसी घटनाएं देकर के ये शनि मंगल जाएंगे। और बहुत इससे डरना नहीं है, सिर्फ अपना एग्रेशन कंट्रोल में रखिएगा, गुस्सा नहीं आने पाए, और जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा, लड़िए झगड़िएगा मत। सभी लोगों के लिए है ये, जितने भी लोग हैं, मेष से मेन लोग, मेन लगन वाले लोग, क्योंकि जो शनि मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं ना, तो हर एक व्यक्ति का जो ब्लड है, मंगल जो होता है वो आरबीसी को ही दिखाता है, रेड ब्लड कॉर्पसेस को भी, तो सबके जो ब्लड है उसको शनि एक्टिवेट करेगा, तो सभी के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्रेशन, जल्दबाजी, गुस्सा, ये सब चीजें आएगा, तो इनको थोड़ा संभालना रहेगा, इनको बैलेंस करना रहेगा। तो जो ऑलरेडी अच्छी राशियां हैं बैलेंस्ड, जैसे तुला है, मीन है, जिन लोगों को कम गुस्सा आता है, तो वो तो बड़े आराम से इसको निकाल ले जाएंगे। और इस रिजल्ट आपको तभी देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, जब आपकी महादशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा में शनि मंगल ये सब ग्रह आ रहे होंगे, तब आपको इसके रिजल्ट बहुत प्रोमिनेंटली देखने को मिलेंगे। अदरवाइज 30-40% ट्रांजिट अपना प्रभाव देता है, तो इस तरह से समझिएगा। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को बहुत थैंक्स बोलती हूँ, और फिर कोई वीडियो लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए नमः शिवाय, नमस्ते।